नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और आपके साथ मैं हूं मलिका। स्वागत है आपका हमारे खास शो जायका में। जायका का आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया के जायके की। जी हाँ, इंडिया जाना जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ हर स्टेट का अपना एक जायका है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग जायका। उत्तराखंड का नाम सुनते ही खूबसूरत वादियाँ, ठंडी, अच्छा मौसम आपको याद आता होगा, लेकिन आज के बाद से उत्तराखंड का नाम सुनते ही आपको उत्तराखंड का जायका भी जरूर याद आएगा। उत्तराखंड के स्टॉल पे मैं पहुंच चुकी हूँ और मैंने ऑर्डर करी है उत्तराखंड स्पेशल थाली, जिसमें कफली है, चौसा है, राजमा है, मंडवा रोटी है, और मेरे साथ सागर जी भी हैं जिन्होंने इस थाली को तैयार किया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है इस थाली में। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। तो उत्तराखंड स्पेशल थाली मैंने ऑर्डर करी है, क्या कुछ इसके अंदर खास है? इसकी खास इसके अंदर है जो ये झंगरा खीर बोलते हैं, जो एक झंगरा चावल आती है, जो ये बिल्कुल बारीक ये स्वीट डिश में आती है। अच्छा। और इसके स्पेशल हो गया ये काफली, जो पहाड़ी हम बोलते हैं काफली, जो पालक को साग के पीस के बनाए जाते हैं। अच्छा। और ये चौसा होती है, जो काली उड़द दाल को पीस के दाल बनाई जाती है। अच्छा, इसको भी पीस कर तैयार किया जाता है। अच्छा, और अगर इसके दूसरे जो दाल है, अगर उससे इसके रेसिपी की कंपैरिजन करें तो कितना फर्क होता है इन दोनों को बनाने में? नहीं, बहुत डिफरेंस है इसमें। अच्छा। इसे इसको बिल्कुल बारीक पीस के जखिया के तड़का मार के बनाई जाती है इसमें। अच्छा। और अगर राजमा की बात की जाए तो राजमा तो नॉर्थ इंडियंस का फेवरेट होता है, तो इस राजमा में क्या फर्क है? इस राजमा में जो ये पहाड़ी राजमा बोलते हैं। अच्छा। जो इसमें इसका साबुत दाने बिल्कुल बड़ा आते हैं। अच्छा। ये जो नॉर्थ और पहाड़ी राजमा में बिल्कुल डिफरेंस है। अच्छा। इसमें लाल भी बहुत आती है इसमें। हाँ, इसका रंग भी हम जैसे कि देख सकते हैं, इसका रंग भी राजमा जैसे बहुत, हम लोग जो घर में राजमा बनाते हैं या जो नॉर्थ इंडियन लोग जिस तरीके के राजमा खाते हैं, वो इतने गाढ़े भी नहीं होते हैं, ये थोड़ा गाढ़ा भी ज्यादा लगता है। गाढ़ा भी है, बिल्कुल लाल भी है। हाँ, बिल्कुल पहाड़ी राजमा बनते हैं। हाँ, और साथ ही चावल की अगर बात की जाए तो चावल भी यहाँ मेरी थाली में है, तो इन चावलों की क्या खासियत है? ये खासियत बासमती चावल होती है पहाड़ी, जो खुशबूदार। बिल्कुल डिफरेंस है इसमें। और इसके साथ हमारे अगर एक और चीज़ यहाँ हमारी थाली में है, ये क्या है? ये मिक्स रायता है। ये मिक्स रायता है। हाँ, और ये साथ में हमारी झंगूरा खीर है। झंगूरा खीर कैसे तैयार होती है? झंगूरा खीर जो बिल्कुल बारीक चावल आती है, इसको दूध में मल के अच्छी तरह पकाया जाता है। अच्छा, ये स्वीट डिश। ठीक है। और अगर रोटियों पे अगर आप नज़र डालें तो ये रोटी भी कोई नॉर्मल रोटी नहीं है, ये वहाँ की स्पेशल मंडवा रोटी है, और कैसे ये तैयार होती है वो भी जानते हैं। मंडवा रोटी कैसे बनाई जाती है? मंडवा रोटी जो बिल्कुल ये तंदूर में बनाई जाती है, इसे ये रागी आटे को बन जाती है, जैसे हम पहाड़ी में मंडवा रोटी बोलते हैं इसको। अच्छा, अगर और उत्तराखंड की अगर जायके की बात की जाए तो और क्या क्या स्पेशल डिशेज हैं वहाँ की? जैसे गट की दाल हो गई स्पेशल, गट की दाल और काफली, चैसू, राजमा, मंडवा रोटी, बिल्कुल डिफरेंस। ठीक है, तो हमने थाली के बारे में तो यहाँ बहुत अच्छे से जान लिया कि क्या कुछ इस थाली में है, उत्तराखंड स्पेशल थाली में, और अब वक्त है इसको टेस्ट करने का। टेस्ट करके जानते हैं कि किसका स्वाद कैसा है, क्योंकि मैं भी पहली बार उत्तराखंड स्पेशल डिशेस से जो है टेस्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मंडवा रोटी से ही शुरुआत करेंगे, तो मंडवा रोटी खाकर देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बहुत क्रिस्पी और बहुत अपने आप में ऐसी रोटी कि आप इसको चाहें तो आप इसको रूखा भी खा सकते हैं, अगर इसको दही के साथ भी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पराठे बनाए जाते हैं, उस तरीके की मंडवा रोटी ही अपने आप में एक पराठे जैसा ही मुझे लग रहा है। इसे कहते हैं हम काफली के साथ खा के देखें। काफली बहुत लजीज है और इसका स्वाद बिल्कुल जैसे साग की तरह ही आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी पतला है ये खाने में, काफ़ी बिल्कुल ग्रेवी जैसा ये खाने में लग रहा है। इसको ज़्यादा गाढ़ा होने में बिल्कुल एक पालक की खुशबू आ जाती है। अच्छा, इसी वजह से इसको थोड़ा पतला हल्के से। अच्छा, इसलिए इस वजह से इसको पतला रखा जाता है। ठीक है, और ये साथ में हमारी इस ये दाल है हमारी चौसला। चौसला खा के देखते हैं कि चौसला का स्वाद कैसा है। चौसला भी बहुत टेस्टी है और चौसला भी खाने में बिल्कुल दाल जैसा नहीं लग रहा है, जैसे हम जब दाल को दूसरी दाल खाते हैं तो वो मुंह में हमारी दाल
पता चलती है कि दाल है। ये भी बिल्कुल एक ग्रेवी और एक बिल्कुल तरी जैसा लग रहा है। बिल्कुल तरी जैसा बहुत इसको लग रहा है कि बारीक इसको कूटा गया। बिल्कुल बारीक तरीके से पीस के, बारीक तरीके से इसको पीस कर बनाया गया है, क्योंकि खाने में ये बिल्कुल मुंह में ऐसा दाल के जैसा लग ही नहीं रहा कि कुछ आप दाल खा रहे हैं। और अगर राजमा की बात की जाए तो राजमा तो हर घर में बनते हैं, राजमा तो सबके फेवरेट होते हैं। उत्तराखंड के स्पेशल राजमा कैसे होते हैं वो भी अब हम ट्राई करेंगे। राजमा तो मेरे ख्याल से बेस्ट है सागर जी, इसलिए राजमा मैंने आपको बोला कि सबके ही फेवरेट होते हैं और यहाँ पर नॉर्थ इंडियंस भी राजमा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग, एक अपने आप में ये राजमा काफ़ी लजीज है, बहुत टेस्टी है और एक गर्म मसाले का टेस्ट भी मुझे इसमें आ रहा है, ऊपर से छिड़का जाता है। बिल्कुल पहाड़ी टेस्ट उसको लाने के लिए ऊपर से गरम मसाला थोड़ा डाला जाता है। गरम मसाले का जो एक हिंट, वैसे तो हम एक खुशबू के लिए और एक फाइनल तब सब्जी बन जाती है, उसके बाद हम हल्का सा गरम मसाला उसमें डाल देते हैं, लेकिन इसमें गरम मसाले का पूरा ऐसा लग रहा है कि तड़के में इसको यूज किया गया है। बिल्कुल तड़के में, तड़के में इसको यूज किया गया है। तो अब मैं ये खीर ट्राई करने वाली हूँ जिसका नाम भी अपने आप में काफी यूनिक है। अमेजिंग, बहुत टेस्टी है और आई थिंक हर खाने के बाद ऐसी खीर तो बनती ही है। ये जो पहाड़ी राइस आती है बिल्कुल नॉर्मल राइस, और ये झंगोरा जो इसका नाम ही झंगोरा होती है, बिल्कुल बारीक चावल आती है इसी को बनाई जाती है जी। तो ये उत्तराखंड की थाली जिसमें बहुत वैरायटी मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे रोटी चावल हर चीज़ वहाँ की स्पेशल है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी, आपने हमें इतनी अच्छी थाली के बारे में बताया, इतनी सारी डिशेस के बारे में बताया, उनकी अलग रेसिपीज़ के बारे में बताया। तो मैंने उत्तराखंड स्पेशल थाली तो इन्जॉय कर ली है, बात करेंगे किसी और स्टेट के जायके के बारे में। चलिए उत्तराखंड के बाद बारी है अवध के जायके की, क्योंकि अवध के कबाब नहीं खाए तो क्या किया। यहाँ देख सकते हैं आप कि कबाब तैयार हो रहे हैं और सलीम खान जी भी हमारे साथ हैं जो कि अवध के जायके से हमें रूबरू कराएंगे। अवध के जो ये कबाब हैं ये पूरी इंडिया में फेमस है और शायद ही कोई हो जो नॉन वेजिटेरियन हो और जिनको ये पसंद ना हो। किस तरह से ये कबाब तैयार किए जाते हैं? मैडम ये कच्चे कीने का बनता है और ये लखनऊ के जो मसाले होते हैं गर्म मसाले उससे तैयार होता है, जिसमें कच्चा पपीता मिलाया जाता है और चिवड़ा हो गया, चाहे वो जो है मीठा इतर हो गया, गर्म मसाले हो गए, इससे जो है बनाया जाता है। लेकिन ये कबाब गलौटी होता है। अच्छा, गलौटी कबाब इसको बोलते हैं। और गलौटी कबाब के साथ उल्टे तवे के पराठे भी खाए जाते हैं। अच्छा, बहुत फेमस पराठा होता है और खाने में बहुत ही जायकेदार होता है। अच्छा, और अगर अवध की और स्पेशलिटीज की बात करें तो इस कबाब के अलावा भी और कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारी काकोरी कबाब हो गया, गलौटी कबाब हो गया, अवध की बिरयानी हो गई, मटन बिरयानी हो गई, उल्टे तवे का पराठा हो गया, ये हमारा अवध की खास जो है। तो आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि जो हमारे कुक हैं, जो शेफ हैं, वो किस तरह से ये कबाब यहाँ बना रहे हैं। थोड़ा अगर आप हमें समझा सकें कि कैसे ये कबाब तैयार हो रहा है। मैडम ये कच्चे कीने का होता है, फ्राई होता है। अच्छा जी, तवे पे जब फ्राई होगा तभी जब इसको डाल के रखा जाता है। अभी ये समझिए कच्चे कीने होगा तो ये आधा आप डाउन हो गया है, अब पकने वाला है। बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ी आसानी से ये टूट जाता है। मिलाया जाता है। अच्छा, पपीते से जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, पपीता मिलाने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। ये भी एक नई बात होगी शायद हमारे लिए जाने के लिए, क्योंकि पपीता ऐसे मिलाया जाता है इसको सॉफ्ट करने के लिए। तो खाने की अगर बात की जाए तो खाने में इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत ही टेस्टी होता है, जैसे लखनऊ का कबाब आपको लगेगा सेम ऐसे ही होता है, वही जाएगा वही टेस्ट। तो गलौटी कबाब को तो तैयार होते हुए आपने देख लिया और बहुत वो डिलिशियस लग रहे हैं, लेकिन जब तक पराठा तैयार नहीं होगा तब तक कबाब कैसे खाएंगे? तो चलिए पराठा देखते हैं कि कैसे तैयार होता है। उल्टे तवे का पराठा इस कबाब के साथ खाया जाता है और ये आप देखिए किस तरह से ये पराठा तैयार हो रहा है। ये तवा उल्टा है, अब इसकी ऐसा क्यों है ये सलीम जी हमें बताएंगे। मैडम ये उल्टा तवा है, जैसे उल्टे तवे पर रुमाली रोटी बनती है ऐसे ही पराठा भी बनता है, लेकिन बगैर उल्टे तवे का पराठा नहीं बन सकता, तो उसका नाम ही उल्टा पराठा है। अच्छा, उल्टा पराठा ही इसका नाम है। फेमस पराठा होता है। अच्छा, ये इसी पे बनेगा। अच्छा, और सीधे पे नहीं बन पाएगा किसी तरह से। अच्छा, और ये जो पराठा बन रहा है इसमें बहुत सारे मटेरियल बने हुए हैं, जैसे देसी घी है, दूध है, नमक है, चीनी है, खोया है। अब ये लड़का बना दिया, अब ये समझ लीजिए रेडी हो गया। अब इसको खाली
पलट के जो है फ्राई करना है। तो हमारे कबाब तो उधर रेडी हो ही चुके हैं और साथ ही हमारा पराठा भी रेडी हो गया और अब तो आप जानते ही हैं बारी है इसको टेस्ट करने की। चलिए सो आवर स्पेशल गलौटी कबाब आर रेडी और साथ ही हमारा पराठा भी उल्टे तवे का रेडी है जो कि सलीम जी मुझे दे रहे हैं और साथ में हरी चटनी के साथ थोड़े से प्याज भी हैं तो मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और जिस तरह से मेरे सामने ये अभी अभी तैयार हुए हैं तो आई थिंक कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कबाब बहुत सॉफ्ट है और थोड़ी सी चटनी भी ले लेते हैं। टू गुड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल के स्टॉल में और आप जैसे कि मेरे सामने देख सकते हैं बंगाल की स्पेशल थाली मैंने ऑर्डर कर दी है और उत्तम जी हमारे साथ हैं जो कि मुझे अब बताने वाले हैं कि इस थाली में क्या कुछ है। उत्तम जी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्पेशल है बंगाल का जो कि इस थाली में इस वक्त हमारे साथ है। ये थाली में जो है स्पेशलिटी ये छोला का दाल है। छोला का दाल। उसके साथ बैगन भाजा। बैगन भाजा ये बैगन भाजा है ये छोला का दाल है। ये आलू दम। ये आलू दम है और ये पायस। तो अगर लूची की बात की जाए तो ये लूची किस कैसे बनाई गई है? लूची मैदा से मैदा और उसमें थोड़ा मायम देना पड़ता है तेल उसके बाद शुगर और नमक देके तो उसको मथना पड़ता है। अच्छा इसमें शुगर भी है मतलब इसमें मिठास भी होगी। ठीक है क्योंकि जो हम पूड़ी खाते हैं नॉर्मली वो उसमें मिठास हम नहीं डालते लेकिन ये लूची है तो इसमें मिठास भी रहती है। बैगन है मतलब ब्रिंजल जो ब्रिंजल, है उसको उसको पीसेस करके उसको नमक पानी में डुबाया जाता है। नमक पानी में हम डुबाएंगे। अच्छा उसको बाद उसको डीप फ्राई करना पड़ता है। उसके बाद उसको डीप फ्राई करना पड़ता है। अच्छा तो बैगन भाजा में ये ब्रिंजल का ही बना है बैंगन का है उसको छोटा छोटा हमने काटना है उसके बाद उसको नमक पानी में हमने भिगो के रखना है फिर डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने बाद उसके ऊपर चना मसाला देना पड़ता है। ठीक है आगे इस पर चलते हैं छोला दाल पर। ये कैसे छोला का दाल मतलब ये छोला का जो दाल होता है उसको हमने बॉयल करके पहले बॉयल करना पड़ता है उसको बाद उसको नारियल किशमिश इसमें भी मिठास रहती होगी क्योंकि हम इसमें किशमिश डाल रहे हैं। किशमिश डाल रहा है थोड़ा शुगर भी देना पड़ता है। शुगर भी देना पड़ता है। अच्छा वैसे जनरली कितना स्पाइसी खाते हैं बंगाली लोग अगर वहाँ के लोकल लोगों की बात की जाए तो स्पाइसी पसंद करते हैं? नहीं ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद। अच्छा ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते। अच्छा अब हम बात करते हैं आलू दम की। ये कैसे आलू का दम मतलब ये जो है ना ये आलू पीसेस करके उसको पहले फ्राई करना पड़ता है। अच्छा, मतलब हाफ डन हाफ डन करके रखना पड़ता है उसके बाद ग्रेवी बनाता है ऑनियन देके मतलब जैसा हम नॉर्मली सब्जियां बनाते हैं जैसे जो नॉर्मली हम अपनी दाल का या किसी भी सब्जी का तड़का लगाते हैं लगभग ये भी उसी तरीके से स्पाइसेस इसमें वही नॉर्मल स्पाइसेस डाले हैं। रेड चिली पाउडर नमक होगा थोड़ा हल्दी होगा। ठीक है मिठास इसमें थोड़ा सा मिठास है। और फाइनली अब हम आते हैं पायस पर जो कि बंगाल की फेमस खीर है। ये किस तरह से बनाई जाती है ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा जो दूध है ना दूध को बहुत उगलना पड़ेगा। अच्छा बहुत उबालना पड़ेगा। उगलने के बाद गोविंदभोग चावल मिलता है एक गोविंदभोग चावल बोल के मिलता है उसको घी के साथ मिलावट करके थोड़ा मकना पड़ता है मक के दूध के ऊपर दे देना पड़ता है जिस भात जैसा हो जाएगा उसके बाद इसका शुगर देना पड़ता है उसके बाद इसमें काजू किशमिश और खोआ बोल के एक चीज़ होता है खोआ सब देना पड़ता है। हमने हर डिश को बहुत अच्छे से समझ लिया बहुत अच्छे से एक एक रेसिपी को हमने जान लिया अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले दाल टेस्ट करके देखते हैं कि थोड़ी सी मिठास डालने के बाद किस तरह की ये टेस्ट में लगती है और काफ़ी अच्छी है और स्पाइसेस बहुत बैलेंस्ड है मतलब मिर्ची मसाला तेज़ वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आलू की बात करें तो सबसे पहले ग्रेवी हम चखेंगे। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है दम आलू का बहुत अच्छा टेस्ट और मिठास डालने से यकीन मानिए इसका टेस्ट बेटर हो गया है। तो लूची भी हम टेस्ट करेंगे जो कि जो नहीं जानता हो कि ये लूची है तो उसके लिए मीठी पूड़ी की तरह टेस्ट में लगेगी शायद। तो आप देख सकते हैं कि ये बैंगन अंदर से ये किस तरह से हमने इसको डीप फ्राई करके बनाया था। वाओ लूची के साथ तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है और एक मस्ट ट्राई है क्योंकि आई थिंक ये बहुत लोगों के लिए एक बहुत नई चीज़ होगी क्योंकि मेरे लिए भी बैंगन भाजा जो बंगालीज हैं ज़ाहिर सी बात है वो जानते होंगे
लेकिन बाकी लोग नहीं जानते होंगे कि इस तरह से भी बैंगन को बनाया जा सकता है। खीर हम खा के देखेंगे कि ये कितनी अलग है। खीर तो एज ऑलवेज जैसी सारी खीर होती है वैसी ये भी है, बहुत स्वाद है। इसमें इतनी सारी वैरायटी हमें उत्तम जी ने यहाँ दिखाई है और यकीन मानिए बहुत डिलिशियस, बहुत लाजवाब मुझे लगा बंगाल क्यूजीन। और आई एम श्योर कि ये मैं दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी और आप भी जो भी डिशेज जो रेसिपीज़ आपने यहाँ सीखी हैं उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी आपका हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी इतनी नई नई चीज़ें आपने मुझे यहाँ ट्राई कराई। थैंक यू सो मच। तो वेस्ट बंगाल के बाद हम आए हैं महाराष्ट्र के स्टॉल पर और हमने ऑर्डर किया है कुछ पीने के लिए। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक ये मट्ठा है और ये कोकम सोडा है जो कि महाराष्ट्र की स्पेशल ड्रिंक्स है। और लाल बहादुर जी भी हमारे साथ हैं जो कि हमें ड्रिंक्स के बारे में और अच्छे से बता देंगे। कोकम सोडा मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कैसे बनाई जाती है? कोकम मैडम एक फल होता है, उसका जूस निकाल के सोडे में डाल के देते हैं। अच्छा, उसका जूस निकाल के सोडे में डाल के देते हैं। और ये वहाँ की स्पेशलिटी है, मतलब महाराष्ट्र की रत्नागिरी कोकण एरिया में मिलता है। तो ये मट्ठा क्या है, ये कैसे बनाई जाती है? छाछ मैडम दही से बनाया जाता है, दही नमक डाल के। था ये एक मेन्यू भी मेरे पास है यहाँ पे, तो मैंने इसी को देख कर बेसिकली ऑर्डर किया था कि मट्ठा बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये ड्रिंक लग रही है, दही अदरक धनिया नमक के साथ ये बना हुआ है। तो मतलब ये काफ़ी एक अच्छी ड्रिंक है, ये जैसे कि हम नॉर्मली लस्सी छाछ तो हम पीते ही हैं, तो ये मट्ठा जो है महाराष्ट्र का फेमस है। और कोकम सोडा की अगर बात की जाए तो ये भी आपके कोंकण, महाराष्ट्र के कोंकण के समुद्री इलाकों में होती है। तो कोकम सोडा की स्पेशलिटी के बारे में तो हमने जान लिया कि कैसे ये महाराष्ट्र में कहाँ से पाया जाता है, और दूसरी बात हमने ये भी जानी कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अब इसके टेस्ट की बात करते हैं कि किस तरह का इसका टेस्ट है। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, बहुत रिफ्रेशिंग है और एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस समय काफ़ी चिल्ड है। अब मट्ठा भी हमारे पास है और मट्ठा जैसे कि हमने आपको बताया कि ये छाछ की तरह ही बनता है, दही से ही बनता है, लेकिन इसके अंदर अदरक भी डाला जाता है, नमक भी डाला जाता है और धनिया भी डाला जाता है। तो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। देखने में और सुनने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग ही रहा है। वाह, बहुत अच्छा है ये। जैसे जो पंजाब की लस्सी होती है, आप ये समझ लीजिए कि ये महाराष्ट्र की लस्सी है। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलाई हुई हैं, जिनसे इसका टेस्ट बेहतर ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल बहादुर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतनी मज़ेदार ड्रिंक्स हमें पिलाने के लिए। और आसान सी इसकी रेसिपी भी है, आई थिंक हम तो ये घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं पहुंच गई हूँ उड़ीसा के स्टॉल पर और विपिन जी हमारे साथ है। विपिन जी बहुत स्वागत है आपका जायका में। तो आइए विपिन जी से जानते हैं कि उड़ीसा की कौन सी ऑथेंटिक स्पेशल डिश वो हमें ट्राई कराने वाले हैं। तो विपिन जी कौन सी डिश आप हमें ट्राई कराने वाले हैं? हमारा एक डिश उड़िया कटकी चाट, चटपटा चाट, ये उड़ीसा का ये फेमस चाट में। हाँ बिल्कुल, उड़ीसा का बहुत फेमस चाट है ये कटकी चाट, जिसके बारे में मैंने सुना था और उसको टेस्ट करने की ही क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी। तो आइए विपिन जी को बोलते हैं कि अब देर किस बात की, कटकी चाट ले ही आए। तो विपिन जी ने हमारी कटकी चाट यहाँ मंगा दी है, लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि उड़ीसा की जो क्यूजीन है वो इनकम्प्लीट है छेना पुड़ों के बिना। तो आइए विपिन जी से ही जानते हैं कि क्या क्या खासियत है हमारी इन दोनों डिशेस की। ये उड़िया कटकी चाट है, ये आलू मटर की पहले कुकिंग होगा, कुकिंग प्रॉपर कुकिंग होने के बाद उनके ऊपर गार्निश के लिए पापड़ी से प्याज दही मिट्टी चटनी प्रॉपर पड़ की वो प्लेट तैयार होता है। और इसमें अगर बात की जाए इंग्रेडिएंट्स के और क्या क्या आपने इसके अंदर डाला है, क्योंकि तब मैं कटे हुए यहाँ बारीक कटे हुए प्याज भी देख रही हूँ ऊपर से, और ये भी कुछ डाला हुआ है नमकीन जैसा। हाँ जी, ये सेब है, बेसन की ये सेब सेब ऊपर डालते हैं, ये जो है पापड़ी है, मैदे की पापड़ी है और ऊपर प्याज प्याज दही मिट्टी चटनी प्रॉपर। इसके अलावा और भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हो, जो स्पेशल उड़ीसा में ही मिलती हो? ये छेना पड़ा, ये होता है प्रॉपर हम दूध लाए के वो छेना जो निकलता है, छेना और शुगर ड्राई फ्रूट्स
पीस के उसको बेक करते हैं, बेक करके उसको फिर पत्ते दे के उसको आग में जलाते हैं, जला के वो निकलता है। अच्छा, क्योंकि देखने में तो सिर्फ एक एक केक का टुकड़ा जैसा लग रहा है, लेकिन छेना पूड़ो इसका नाम है और ये उड़ीसा का बहुत फेमस और बहुत स्पेशल स्वीट डिश है। तो चलिए टेस्ट करते हैं आप कि कैसी है ये हमारी कटकी चाट। बहुत बढ़िया चाट है, तो कटकी चाट बहुत टेस्टी है। आपने देखा जो हम लोग चाट वगैरह खाते हैं, लगभग इसका स्वाद वैसे ही है, लेकिन चने डलने की वजह से एक अलग इसका स्वाद हो गया और बहुत टेस्टी है ये, मज़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, छेना पूड़ो भी टेस्ट करते हैं कि छेना पूड़ो का टेस्ट कैसा है। आज हम बात करेंगे इंडिया के जायके की। कबाब बहुत सॉफ्ट है। बात की जाए तो ये लूची कैसे बनाई गई है? लूची मैदा से